कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला। 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु हो गई और निजामुल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु के बाद हैदराबाद राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होने लगा। एक तरफ निजाम का भांजा मुजफ्फरजंग था, वहीं दूसरी ओर निजाम का पुत्र नासिर जंग था। दोनों उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे थे। दूसरी ओर हैदराबाद राज्य के संघर्ष के अलावा कर्नाटक राज्य में भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि मराठों ने चंदा साहब को 1748 में रिहा कर दिया और चंदा साहब ने आकर अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी। चंदा साहब अनवरुद्दीन का बहनोई था और दोस्त अली का दामाद था और अनवरुद्दीन दोस्त अली का पुत्र था। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को अपनी सैनिक सहायता देने का वचन दे दिया सत्ता प्राप्ति की। अब ऐसी स्थिति में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सैनिकों ने कर्नाटक के नवाब के विरुद्ध युद्ध किया और 1749 में अंबूर के युद्ध में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भागकर तिरुचनापल्ली के दुर्ग में चला गया और तिरुचनापल्ली के दुर्ग में अंग्रेजों ने उसे संरक्षण दे दिया। अब कर्नाटक के शेष भाग अर्थात तिरुचनापल्ली को छोड़कर शेष कर्नाटक पर चंदा साहब ने अधिकार कर अर्काट को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू कर दिया। डुप्ले ने तिरुचनापल्ली का घेरा डाले रखने के लिए चंदा साहब से कहा और अपने फ्रांसीसी सैनिक भी घेरा डालने के लिए भेज दिए। फ्रांसीसी कमांडर लो था, वह घेरा डालने का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी ओर मुजफ्फर जंग को शासक बनाने के लिए अब मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की सेना और फ्रांसीसी सैनिक नासिर जंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं और यह युद्ध जिंजी नदी के तट पर लड़ा गया। उधर फ्रांसीसी सेना जहां मुजफ्फर जंग का साथ दे रही थी, वहीं नासिर जंग को अंग्रेजों का साथ मिल गया। इस युद्ध में नासिर जंग की मृत्यु हो गई, नासिर जंग मारा गया और इसके बाद मुजफ्फर जंग को डुप्ले ने हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। अब डुप्ले ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए सैनिकों को दिए और 20 लाख रुपए डुप्ले को व्यक्तिगत तौर पर दिए और 1 लाख रुपए की निजी जागीर डुप्ले को दी। साथ ही साथ जंग बहादुर की उपाधि भी दी और कृष्णा से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी को मसूलीपट्टनम नगर मिला और पौंडेचेरी के पास कुछ जमीन भी मुजफ्फर जंग से मिल गई। इसके बाद एक और अधिकारी की नियुक्ति हैदराबाद में कर दी गई जनरल बुस्सी की, ताकि फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाया जा सके। और इसी जनरल बुस्सी के संरक्षिता में मुजफ्फर जंग पौंडेचेरी जा रहा था, तब कुछ पठानों ने उसकी हत्या कर दी और इसकी हत्या के तुरंत बाद जनरल बुस्सी ने निजाम के दूसरे बेटे सलावत जंग को निजाम के पद पर बैठा दिया। अब इस प्रकार से एक ओर तो कर्नाटक और दूसरी ओर हैदराबाद राज्य में दोनों जगह फ्रांसीसी की स्थिति मजबूत हो गई। इस सलावत जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को एल्लोर, राजामुंद्री, मुस्तफा नगर और चिकाकोल का क्षेत्र दे दिया। दूसरी ओर अंग्रेज मोहम्मद अली को तिरुचनापल्ली के दुर्ग से लाने के लिए परेशान थे, वहां से क्योंकि फ्रांसीसी घेरा पड़ा हुआ था, इससे बचाने के लिए वहां पर विचार विमर्श चल रहा था। इसी समय एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने सुझाव दिया कि अगर हम कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करेंगे तो कुछ सेना तिरुचनापल्ली से अर्काट की ओर जाएगी और यहां का दबाव कम हो जाएगा, तब हम युद्ध को अपने पक्ष में कर सकते हैं और कर्नाटक तिरुचनापल्ली के दुर्ग के घेरे को जो फ्रांसिस ने डाल रखा और चंदा साहब की सेना ने डाल रखा उसको हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में रॉबर्ट क्लाइव को 510 सैनिकों के साथ अर्काट की ओर भेजा गया। इसमें 210 ब्रिटिश सैनिक थे और 300 भारतीय सैनिक थे और अर्काट में जब आक्रमण हुआ तब चंदा साहब ने एक सेना राजा साहब के नेतृत्व में अर्काट में भेजी और राजा साहब चंदा साहब का पुत्र था और इसके नेतृत्व की सेना रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हो गई। इसके बाद मेजर लॉरेंस जो ब्रिटिश अधिकारी था उसने चंदा साहब से तिरुचनापल्ली के दुर्ग का घेरा हटाने के लिए कहा। तिरुचनापल्ली के दुर्ग का घेरा हटाने के लिए जब उसने बोला तो चंदा साहब को वो घेरा हटाना पड़ा और चंदा साहब वहां से भाग निकला और चंदा साहब की हत्या तंजौर के राजा ने कर दी। वहीं 1753 में फ्रांसीसी कमांडर लो ने भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1752 में अर्काट पर आक्रमण किया गया था और 1753 तक आते आते फ्रांसीसी की स्थिति इतनी कमजोर होगी कि उन्हें अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस चीज के लिए, इस पराजय के लिए और इस आर्थिक क्षति के लिए फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को दोषी माना और डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर नया गवर्नर गोडेहू को बनाकर भेजा गया। गोडेहू ने फ्रांसीसियों की तरफ से पांडिचेरी की संधि अंग्रेजों से कर ली
1755 में, और 1755 में इस पांडिचेरी की संधि में यह तय हुआ कि अब कंपनियां भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, साथ ही साथ ना कोई उपाधि लेंगे, उपहार को त्याग दिया गया, ना कोई उपहार लेंगे। इसके अलावा अब जनरल बुसी को हैदराबाद में ही रखना सुनिश्चित हो गया था और कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार से अंग्रेजों की स्थिति अब कर्नाटक में मजबूत होगी, उनका प्रत्याशी अब नवाब बन गया। दूसरी ओर फ्रांसीसी की स्थिति अभी भी हैदराबाद में मजबूत ही बनी रही, उनका ही प्रत्याशी वहां पर शासक था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्नाटक का युद्ध यहाँ समाप्त हो गया, और इस युद्ध के बाद हम देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो 1756 से शुरू हुआ 1763 में समाप्त हुआ।